हाय फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्रेडिशनल चिकन कोरमे से, जिसका मैं मसाला देखो पीस के लिए अब इसको चिकन के अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर अच्छे से ये मसाला पूरा मिक्स करने के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी दही। तो मैंने दही जो मार्केट में मिलती है अपने कॉमन जो डब्बा छोटा वाला, वो मैंने दो मंगाई, तो वही मैंने वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रखना है अभी। इसके बाद फिर इसको मैगनेट अच्छे से करके रखने के बाद कम से कम आधे से पौना घंटा, उसके बाद फिर कांदा मैंने काट के रखी इधर। मैंने कांदे को अच्छे से फ्राई करके एकदम रेड गोल्डन करना है, उसके ऊपर से इसके ना लाल मिर्ची पाउडर जो डालना है जिससे कलर अच्छा और बेस्ट दिखने के लिए रेड। और ये जो चिकन का मेरा मसाला है सब चिकन के साथ इसको इसके अंदर अभी ऐड कर दूँगी। तो अब मेरे मसाले को मैंने इसके अंदर जो था चिकन के साथ उसको ऐड करी, और कलर देखना अब पूरा बाहर के रेस्टोरेंट के जैसा आया ना, एकदम अच्छा रेड कलर में। ये हल्दी लाल मिर्ची पाउडर डालने से ये कलर थोड़ा सा अच्छा आता ऊपर से ऐड करने से। अंदर भी मैंने डाली थी मसाले के साथ पीसने में ग्राइंड में, बट मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा ऐड करी हूँ जिससे थोड़ा स्पाइसी भी और कलर भी टेंडरनेस इसकी अच्छी हो जाती है इसीलिए। तो देखो मेरा भी कोरमा बन के एकदम अच्छे से चिकन का रेडी हो गया। इसके अंदर ना मलाई ज़्यादा डालना पड़ा, ना काजू कुछ डालना पड़ा, कुछ नहीं, नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल में ये देखो चिकन कोरमा मेरा रेडी हो चुका। और चिकन के पीसेस भी सब अच्छे से पूरे गल गए हैं, एक एक पीस पूरे इसके अच्छे से दिख रहे, एकदम ऐसे भी नहीं सब टूट गया है, सब अच्छा अखा है। मेरा चिकन हो गया और मैं चमचम खाने जा रही हूँ। मुझे चमचम पसंद है, स्वीट्स मतलब थोड़ा ज़्यादा पसंद भी है मेरे को वैसे भी, तो ये चमचम मैं खाने जा रही हूँ। तो अब भी खाना, मज़े करो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।